सब विकास का कौन दवा कर रहा है? वो दवा कर रहे जो रहे हैं, वो दवा कर रहे जो हैं। विकास की बात करते हैं लोग। जो व्यक्ति, जो सांसद दुर्भाग्य है बक्सर क्षेत्र का, और पता नहीं जहाँ बहुत ऊंचाई होती है वहाँ खाई होती है, ये प्रकृति का नियम है। हर मंदिर के 50 गज के अंदर में पेशाबखाना और पैखाना जरूर होता है। ये हिंदुस्तान के इस मनुवादी व्यवस्था का द्योतक है। जहाँ सबसे अधिक पाप होता है वहाँ पुण्य की घटना होती है। और बक्सर की धरती विश्वामित्र की धरती, भगवान के ज्ञान की धरती, एक युद्ध की भूमि की धरती, वीर कुंवर सिंह की धरती, और इस धरती पर ऐसे लोग चुनाव जीते जो हाईटेक नेता थे, शुरू से लेकर के आज तक देखिए, कौन मिश्रा, कौन बाबा, कौन सिंह, कौन महाराज, कोई जो है मतलब कि इंदिरा जी के बगल में, कोई पंडित जवाहरलाल नेहरू के बगल में बैठे, कोई राजीव जी के बगल में, कोई बीपी सिंह के बगल में महाराज, कोई कौन है, कोई कौन है, कोई चौबे जी, अटल जी के एकदम दत्तक भाई, या यादव समाज के नाव पर चढ़ करके यादवों का हत्या करने वाले हैं जगदानंद। जगदानंद वह जगदानंद है जो यदुवंशियों के राजपाट द्वापर में कंसीय व्यवस्था का द्योतक है। जगदानंद वासुदेव के रूप में भगव आपको जननायक लालू यादव ने जो अधिकार कंस रूपी जगदानंद को दिया, वो जगदानंद जो है उस अधिकार का दुरुपयोग किया है। और वो जगदानंद जिस रामचंद्र को मेरा जब ज्वाइनिंग था, तो एक गाना बनाया था वहाँ, गाना गाने वाला ज्वाइनिंग के टाइम अभिनंदन का, कि वासुदेव बनकर अना जगदा बाबू लेके कन्हैया में रामचंद्र, तो वही कन्हैया, अगर कन्हैया जगदा बाबू कहकर गाना गवाए थे, तो हमको लगता है कि आपके अंदर जो कंसीय स्वभाव है वो अब समाप्ति का ये बहुत भारी पृष्ठभूमि है। मैं नहीं भाई, इस समाज की वो बात कर रहे हैं। मैं दावे के साथ आपके माध्यम से कह देना चाहता हूँ, एक ऐसा गरीब दलित शोषित पुरुष या यादव समाज के किसी भी लोग का जगदानंद ईमानदारी पूर्वक कभी वीडियो या थाना पर कोई पैरवी की हो, किसी समस्या को लेकर, किसी भी समस्या को, सवर्ण समुदाय के किसी भी थाने में जा करके, अरे किसी भी व्यक्ति को, हमारे समाज के लोगों को 5 रुपया का मदद किए हों या कोई ठिका ठिकदारी दिए हों। रही बात सवर्ण की, इनके कार्यकाल में सवर्ण में खासकर इनके बिरादरी के एक राजपूत जय कुमार सिंह अपने कर्म के बल पर अलग से, अब जब से ये कार्यकाल इनका रहा, राघवेंद्र बाबू का अलग पृष्ठभूमि है, पर जगदानंद का जहाँ चला, एक राजपूत को बढ़िया ढेहूँ से नीचे कुर्ता भी पहनने नहीं देना चाहता। इस व्यक्ति का अगर बस चले तो आपको शाहबाद रेंज के अंदर खास करके यादव और उसके बाद का कोई एक दिन सबसे बड़ा ही मानते हैं तो राजपूत, ये किसी को ठेहूँ से नीचे कुर्ता पहनकर रोड पर अगर चलते हुए नजर आता है लोग, तो इनका 1 लीटर खून डेली जल जाए। तो क्या कहा जाए कि ये किसी की नहीं है, ना सवर्णों के और ना शोषितों के? अरे सर, जगदानंद उस व्यक्ति का नाम है। कौन है सगा जिसे जगदानंद ने नहीं ठगा? कोई नहीं बचा सगा जिसे जगदानंद ने नहीं ठगा। ये लालू जी का नहीं हुआ, लालू जी के नाम पर घर पर रह करके और लालू जी के परिवार को जो है मतलब साजिश के तहत ये लोग चाहते हैं कि लालू जी जेल में रहे, ताकि हम पूरी अधिकार के साथ हम व्यवस्था हम चलाएंगे। क्योंकि राजमाता राबड़ी जी पूरा के पूरा उनके कार्यकाल में सारा फाइल डाटा इनके हाथ में, तेजस्वी जी याद ड्राफ्टिंग कई तरह की बात सलाह मशवरा, अब आप 21वीं सदी के राजनीति कर रहे हैं तेजस्वी जी। मुझे नहीं लगता हम लोग के आप नेता हैं। अब आपको ऐसे जो है 19वीं सदी के जो घिसे पिटे राजनीति करने वाले लोग हैं, जो समाजवाद के नाव पर चढ़ करके सामंतवाद की खेती करते हैं, सामंतियों का संरक्षण देते हैं, गरीबों का खून बहाते हैं, गरीबों का खून चूसते हैं, यादवों का नाश चाहते हैं, यदुवंश को मिटाने का काम करते हैं, तो यदुवंशियों ने भी अब ठान लिया है, यहाँ बक्सर संसदीय क्षेत्र का यदुवंशी ही नहीं, संपूर्ण शाहबाद और राजद परिवार से भी 90% विधायक मंत्री हमारे लोग, जो कोई गार्जियन है, सब भी लोग कृष्ण बनकर
अर्जुन रूपी रामचंद्र को आगे बढ़ा दिए हैं। बचना आपको है, अब कौरवीय शक्ति का नाश निश्चित, कंसियस शक्ति का नाश। एक आखिरी सवाल, अब तो पप्पू यादव भी आपके समर्थन में है, इसके बाद क्या लगता है क्या परिदृश्य होगा और कितनी बड़ी जीत होगी आपकी? मैं आपके माध्यम से युवा हृदय सम्राट जननायक पप्पू यादव जी को बधाई देना चाहता हूँ, जो शाहबाद के गरीब दलित शोषित पीड़ितों की आवाज को उन्होंने महसूस किया। रिश्तेदारी अपने जगह पर, मुझे राजनीति में कदम और राजनीतिक का कहना और इस आयाम तक पहुंचाने में पप्पू यादव की अहम भूमिका रही, और मैं आज के तारीख में उनके भतीज दामाद भी हूँ। पर पप्पू यादव जी राजनीति, उनसे मैं डिफर करता रहा, उनके क्षेत्र के यहाँ भौगोलिक सामाजिक बनावट अलग थी, मेरे यहाँ अलग थी। मगर मैं बधाई दूंगा आपके माध्यम से कि पप्पू यादव ने शाहबाद की आवाम, किसान, नौजवान, दलित, शोषित, पीड़ित और खास करके यदुवंशियों की भावनाओं को महसूस किया और आकर के उन्होंने मेरा समर्थन किया। अभी तो शाहबाद के यदुवंश लड़ रहे थे, शाहबाद के दलित गरीब लड़ रहे थे, अब तो संपूर्ण बिहार के लोग, पप्पू यादव का मतलब मामूली व्यक्ति नहीं होता, लालू यादव के बाद किसी का स्थान आता तो वो पप्पू यादव तेजस्वी यादव कहीं आता है। तो मुझे और आंशिक रूप से आशीर्वाद उस 10 नंबर से भी हमको है, पूर्णतः आशीर्वाद मेरे साथ है, पेन पेपर में वो है और बाकी दिल में मैं हूँ। वो जगदा राजद है, ये रामचंद्र राजद है, राजद मैं हूँ, आर से रामचंद्र और आर से राजद, वो जगदा रामचंद्र का। अब वो बुढ़े का मतलब दिन अब लग चुका है भैया, अब आर रामचंद्र, टी रामचंद्र, पी रामचंद्र, ये राजद चलने जा रहा है। इसलिए जीत निश्चित है सभी समाज का, सभी दबे कुचले शोषित, ये जो है मनुवादी अश्विनी चौबे, इस व्यक्ति का भी जितने वोटर हैं व्यवसायी समाज, अभी 7-8 पंडित जी लोग आए थे हमारे पास, वकील आए थे, बोले कि सर हम लोग मजबूर हैं, पर कल हम लोगों ने महसूस किया कि हम लोग के लिए एक विकल्प मिला है। परसों मतलब कल रात में मैं लौट रहा था यहाँ चक्की से, मुझे प्रताप सागर से थोड़ा उधर भूमिहार लोग मिला, दो गाड़ी रोड पर लेकर खड़ा था, इंतजार कर रहा था लोग कि सर मुझे, हम लोग को एक विकल्प की तलाश थी, आप विकल्प रामचंद्र, इसका मतलब महसूस किया हूँ। और मैं जहाँ सवर्ण डोमिनेंट जगह भगुआ विधानसभा है वहाँ से मैं विधायक बना हूँ, जहाँ 65,000 ब्राह्मणों का वोट है, जहाँ 26,000 राजपूतों का वोट है, मात्र 13,000 यादवों का वोट है, वो भी 13,000 वोट लेने के लिए जगदानंद ने मेरे विरोध में लालू जी को 6 बार हेलीकॉप्टर गिरवाए थे, 6 बार। तो सवर्ण को मैं जानता हूँ भैया, बाबा पाल लगे कह के सब कुछ हमको मिल गया, हमें दिक्कत नहीं के, दिल के साफ होते हैं। मैं सबको लेकर, मुझे अगर लोग अर्जुन के रूप में या अपने भक्त के रूप में, अपने सेवक के रूप में देखते हैं, तो निश्चित तौर पर जिस प्रकार से भगवान कृष्ण ने आपको सुदामा को भी लेकर चले, आर्य को भी लेकर चले, नार्य को भी लेकर चले, वनवासी को भी लेकर चले, गैया को भी लेकर चले, मैया को भी लेकर चले, जीव जंतु को भी लेकर चले, नर को भी लेकर चले, नारायण को भी लेकर चले, मैं भी उस बागीचा का वो माली बनना चाहता हूँ जिस बागीचा में चंपा हो, चमेली हो, गुलाब हो, हर प्रकार के फूल हो, यहाँ तक के धतूरा से लोग खतरा मानते हैं। रामचंद्र यादव धतूरा को भी अपने बगल में लेकर चलना चाहेगा, ताकि मैं हमेशा जागता रहूँ और सावधान। बहुत बहुत धन्यवाद।